हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आज हम करेंगे एक एक्ट जो कि है आरसीआई एक्ट 1992। इसका पूरा मतलब है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं हूं अनिल और आज हम पढ़ेंगे आरसीआई के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरसीआई एक्चुअली है क्या? आरसीआई है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट बॉडी है और ये किसके लिए काम करती है? ये काम करती है डिफरेंटली एबल पर्सन्स के लिए, डिसएडवांटेज्ड पर्सन्स के लिए और जो स्पेशल एजुकेशन जिस कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, तो ये उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम करती है और उनको जो भी पॉसिबल हेल्प है, फैसिलिटीज है, वो प्रोवाइड करती है और जो इससे रिलेटेड रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है उनको रिकग्नाइज करती है और जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाते हैं तो उनको आरसीआई से रिकग्निशन लेना पड़ता है। चलिए की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। आरसीआई 1986 में क्या थी? एक रजिस्टर्ड सोसाइटी थी। 1992 में एक एक्ट आया जिसके बाद जो आरसीआई था वो पार्लियामेंट में पास कर दिया गया, वो एक बन गई स्टैट्यूटरी बॉडी जिसके पास कानूनी फैसला लेने का हक हो गया। और ये हुआ 22 जुलाई 1993 को। क्या हुई? ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। 1992 में ये बिल आया था, क्योंकि बिल पास होने में काफी टाइम लगता है, तो ये 22 जुलाई को ये बिल पास हुआ और उसके बाद ये इंडिविजुअल बॉडी बन गई जो कि खुद फैसला ले सकती थी। इसका लास्ट अमेंडमेंट हुआ था 2000 में, जिसमें इसकी जो पावर्स थी उनको काफी वाइड कर दिया, काफी ब्रॉड कर दिया गया, जिससे कि आरसीए की पावर बढ़ गई और ये काफी फैसले खुद से ले सकती थी। चलिए राइट्स क्या है आरसीए की, क्या काम कर सकती है आरसीए। जब आरसीए को ये मैंडेट मिला कि वो रेगुलेशन और मॉनिटरिंग कर सकती है, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं पीडब्ल्यूडीज को, एंड ये सिलेबस को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। जो सिलेबस बनते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट में वो सब काम किसका है? आरसीआई का है। यही डिसाइड करती है कि रिहैबिलिटेशन में कैसा सिलेबस होगा, कैसे प्रोग्राम्स होंगे, जो कॉलेजेस होते हैं पीडब्ल्यूडीज के लिए स्पेशल, कोई स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करता है तो वो सब डील करता है आरसीआई। कैसे बिल्डिंग्स होनी चाहिए, कैसे टीचर्स होने चाहिए, कैसा स्टाफ होना चाहिए, सबको डिसाइड करता है आरसीआई। अगर कुछ भी खामियां मिलती हैं तो आरसीआई उन पे एक्शन लेता है। ये क्या करता है? ये रजिस्ट्रेशन का भी काम करता है, कैसे लोगों के लिए, जो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट एंड फैसिलिटीज टू स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, ये प्रॉपर सबका रिकॉर्ड रखता है। और इनके पास पूरा राइट है, पूरा हक है कोई भी लीगल एक्शन लेने के लिए। अगर कोई पर्सन या इंस्टीट्यूट, अगर उनके इंस्टीट्यूट में कोई भी फैसिलिटीज की कमी होती है तो ये उन इंस्टीट्यूट्स पे और टीचर्स पे एक्शन ले सकते हैं। ये टाइम टू टाइम टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। जो हेल्थ वर्कर्स इस फील्ड में हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी ये टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देता रहता है। जो यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन हैं वो आरसीआई के अप्रूवल के बिना कोई भी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, कोई भी रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग कोर्स या कोई भी रिहैबिलिटेशन एजुकेशन प्रोग्राम या स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम वो बिना आरसीआई के अप्रूवल के बिना नहीं चला सकते, नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। वो आरसीआई अप्रूव करता है वो बिल्डिंग्स, वो सिलेबस, सब कुछ, तभी वो अप्रूव करेगा किसी भी यूनिवर्सिटी को या किसी भी इंस्टीट्यूट को ऐसा कोर्स चलाने के लिए, ऐसा कोर्स स्टार्ट करने के लिए। कुछ प्रोफेशनल्स की कैटेगरीज हैं जो कि इनसे एक्रेडिटेशन ले सकते हैं और वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकते हैं या ऐसा इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। ये 16 प्रोफेशनल्स हैं जो कि इनसे अप्रूवल ले सकते हैं। वो हैं ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हियरिंग एंड ईयर मॉल टेक्नीशियंस हैं, रिहैबिलिटेशन इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस हैं, स्पेशल टीचर्स फॉर एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग द हैंडीकैप। आपने देखा होगा कई बार जॉब निकलती तो उसमें क्या मांगते हैं? स्पेशल एजुकेशन मांगते पर्टिकुलर, ठीक है, सिंपल बीएड वाले नहीं पढ़ा सकते, उन्हें अलग से डिप्लोमा करना होगा ऐसे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में पढ़ाने के लिए, वरना बीएड एक स्पेशल एजुकेशन में होता है वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वोकेशनल काउंसलर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपर्पज रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट टेक्नीशियन अप्लाई कर सकते हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सोशल वर्कर्स कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर्स इन मेंटल रिटार्डेशन कर सकते हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, रिहैबिलिटेशन काउंसलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिस्ट, और लास्ट है 16 रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप मैनेजर्स। ये सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि आरसीआई के तहत एक्रेडिटेशन ले सकते हैं और ऐसे स्पेशल इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ा सकते हैं, उनपे उनके लिए काम कर सकते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीआई, ये 14 ऑब्जेक्टिव हैं, चलिए देखते हैं इनका क्या काम है। जो ट्रेनिंग पॉलिसीज हैं प्रोग्राम से वो कौन चेक करता है? आरसीआई का काम है चेक करना। देन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्स फॉर प्रोफेशनल, जो
टीचर्स को डॉक्टर्स को जो ट्रेनिंग मिलेगी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स चलाने के लिए वो सब कौन डिसाइड करेगा? आरसीआई डिसाइड करेगा। जो ये प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्या डिसाइड करेगा ये कि उनके पास मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जिससे कि वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकें। और ये इसकी ड्यूटी है कि ये पूरे कंट्री में चेक करता रहे स्टैंडर्ड को। आरसीआई का काम ही यही है कि जो प्रोफेशनल्स हैं रिहैबिलिटेशन फील्ड में उनकी क्वालिटी मेंटेन रखे, इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी मेंटेन रखे। ये ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करेगा जो कि ऐसे कोर्सेज चला रहे हैं रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। और अगर फॉरेन से कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री है तो ये उसकी भी प्रॉपर जांच करेगा। और ये मोटिवेट करेगा आरएनडी में रिहैबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन में कोई भी आरएनडी हो ये उसके लिए पूरा प्रमोट करेगा और मोटिवेट करेगा कि ऐसी रिसर्च हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज रिहैबिलिटेशन के लिए प्रोवाइड की जा सकें। चलिए नंबर 8 देखते हैं क्या है। इनके पास क्या है, पूरा एक सेंट्रल डाटा है जिसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं किसका, प्रोफेशनल्स और पर्सनल्स का जो कि इसके लिए काम करते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए काम करते हैं। तो प्रॉपर सबका डाटा मिलेगा। कोई भी सेंटर रिहैबिलिटेशन, कोई भी सेंटर कहीं भी पूरी कंट्री में इनके बिना अप्रूवल के बिना नहीं खुल सकता है। आरसीआई का अप्रूवल बहुत जरूरी है। जो भारत और विदेशों में जो संस्थान हैं जो विकलांगों के लिए काम कर रहे, जो रिहैबिलिटेशन में काम कर रहे हैं उनसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेता रहेगा ताकि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं प्रोफेशनल्स के लिए, उनको और अच्छा किया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में इंस्टीट्यूट हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये उनको प्रॉपर एनकरेज करता रहेगा कि ये उनके लिए काम करें और PWDs के लिए काम करते रहें। और जो व्यवसायिक रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं उनको इस तरह से तैयार किया जाए कि जो मैन पावर है उनका भी विकास हो सके और भी लोग ऐसे प्रोफेशन सीखें ताकि और प्रोफेशनल्स इस फील्ड में आए। एक्चुअली आरसीआई का काम यही है, जो प्रोफेशनल्स हैं रिहैबिलिटेशन से जुड़े उनका प्रॉपर मैनेज करना और सबका रिकॉर्ड रखना और ऐसे इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्निशन देना, यही सब काम है आरसीआई का। और जो प्रोफेशनल्स ऐसे वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे काम करेंगे उनका भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। जो ऐसे सेंटर्स होंगे जहाँ पे मैन पावर डेवलपमेंट किया जाएगा, प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाएगा, उनको रिकॉग्निशन भी देना आरसीआई का काम है। जो आरसीआई है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। और इसके अंतर्गत क्या है, सभी पर्सनल्स का जो कि वर्क करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट एंड जो एपेक्स इंस्टीट्यूट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। एक्चुअली आरसीआई एक गवर्निंग बॉडी है जिसका काम है जो रिहैबिलिटेशन से जुड़े प्रोफेशनल्स हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना और जो भी सभी स्टैंडर्ड कोर्सेज हैं जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के लिए हैं उनका डिजाइन करना और पूरा मॉनिटरिंग करते रहना और उनको बढ़ावा देना कि ऐसे कोर्सेज आप चलाएं पर विद ड्यू परमिशन ऑफ आरसीआई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से कोर्स हैं जो आरसीआई के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज एंड मास्टर लेवल कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट है शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्सेज अंडर द कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन प्रोग्राम। ये सभी प्रोग्राम हैं प्रोफेशनल्स के लिए जो रिहैबिलिटेशन के फील्ड में काम करना चाहते हैं। चलिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यू कैन क्लिक द लाइक बटन। फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए आप दबा सकते हैं बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।